गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मेरी नींद आज बहुत जल्दी खुल गई। आई वोक अप अराउंड 4:45 एंड आई थिंक इट्स बिकॉज रात में मैं 11 या 11:30 बजे के आसपास सो गया था एंड मे बी दैट्स द रीज़न मेरी नींद काफ़ी जल्दी खुल गई। सो या दैट इज़ गुड। अभी बाहर पूरा अंधेरा है एंड टॉकिंग अबाउट टुडे, आज हमारा लेग डे है एंड जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग माई काब्स एज अ फर्स्ट मोमेंट। तो काब्स को मैं सबसे पहले ट्रेन करना शुरू करूँगा आज से एंड देन उसके बाद लेग एक्सटेंशंस, लेग कर्ल्स एंड देन लेग प्रेस। सो आई एम थिंकिंग टू चेंज दैट वन थिंग इन माई वर्कआउट्स, क्योंकि काब्स लास्ट के एंड तक आते आते ऑलमोस्ट मन नहीं करता ट्रेन करने का। सो वो पहले निपट जाएगा तो इट वुड बी लाइक वेरी गुड। आई विल डू मे बी 2 sets ऑफ एनी काइंड ऑफ स्क्वाट मोमेंट एंड इट कुड बी बारबेल स्क्वाट्स या फिर मैं स्मिथ मशीन पे भी स्क्वाट्स कर सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज फैसिनेटिंगली मेरा बॉडी वेट 83.65 आया, विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट इन दिस एंटायर बल्क फेज। दिसंबर में मैंने बल्क शुरू किया था एंड अभी इसके पहले एक बार मेरा वेट 83.70 आया था एंड इट्स वेरी क्लोज टू दैट, 50 grams का डिफरेंस है एंड टुडे इट वाज 83.65। सो या क्रिएटिन इज वर्किंग बेसिकली एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस एंटायर लाइक प्रेप बल्क वाला कि वेट कैसे होता है। सो या अभी आई एम गोइंग टू द जिम, क्योंकि अब नींद खुली गई है सो वाई टू वेस्ट टाइम, आई एम जस्ट थिंकिंग टू जस्ट गेट डन विद द वर्कआउट। सो या लेट्स गो टू द जिम एंड किल आवर लेग सेशन। सी यू गाइस इन द जिम। सो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि मेरा बल्क 14 दिसंबर से शुरू हुआ था एंड दीज आर ऑल माई वेट लॉग्स एंड यहाँ पर समवेयर अराउंड हियर 31 January को माई वेट वॉज 83.70 एंड इसके बाद में आज मेरा वेट 83.65 आया है। सो या वेरी क्लोज टू दिस फेज, वेरी एक्साइटेड। I guess we are the only person in the gym अभी। पूरे पार्किंग में कोई भी गाड़ी नहीं है ना ही इधर, इट्स ऑल एम्प्टी। मज़ा आएगा खाली जिम। If you want to be great, you want to be baddest motherfucker ever at what you do, you could be misunderstood by everybody. Because you're gonna be so fucking obsessed and so driven to get there, and that's what it takes. You love this game. I mean, love it with your whole heart. Because if you don't, let's not even bother. Let's not open that door, they're just gonna slam it right in our face. I love this game. I live this game. And there's 1,000 other guys waiting in the wings who are obsessed with this game. Obsession is going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Obsessively training 2-3 hours every single day over a year, over 2 years. You're going to accelerate. You make quantum leaps, man. People have talent. People have a lot of talent. And this is going beyond your talent. So when talent, when there's no more talent, what happens to you? Most people quit. People only go to their talent level. And once your talent level is gone, it becomes a mental game. That the whole mental game sets in then. And most people can only perform to their talent. And they realize, man, why am I always messing up right here? Why is this like my big hurdle? It's because you're performing to your talent. And then after that, your mind has nothing for you. तो जिम से आते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। आई गॉट होम, मैंने शावर लिया, आई शेव्ड
टॉकिंग अबाउट द वर्कआउट, वर्कआउट काफ़ी अच्छा था. वी स्टार्टेड ऑफ विद कार्स, मूव्ड ऑन टू लेग एक्सटेंशंस, देन लेग कर्ल्स, लेग प्रेस. लास्ट में आई वांटेड टू डू स्क्वाट्स, बट मेरा जो वर्कआउट रूटीन है उससे ही मैं इतना ज़्यादा फटीग हो गया था. आई हैड नो एनर्जी टू परफॉर्म स्क्वाट्स. मैंने लिटरली सिर्फ वन प्लेट एक रैप किया और मैंने वापस रख दिया, बिकॉज मेरा लोअर बैक भी बहुत ज़्यादा सोर हो चुका था. सो आज जब मैं मेरे लेग एक्सटेंशन का फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था, व्हेन आई सॉ द फुटेज आई रियलाइज दैट लास्ट ईयर अराउंड जून ऑगस्ट आई यूज टू बी वेरी लीन. मैं स्क्रीन पर पिक्चर्स डाल दूंगा. आई यूज टू बी अराउंड 12-13% बॉडी फैट एंड लाइक वेन्स वेन्स सब कुछ ऐसे विजिबल होती थी एंड आई यूज टू लुक फ्रीकी आफ्टर द पम्प. बट बैक देन वी यूज टू वे अराउंड आई थिंक 77 or 78 केजीज एंड अभी ऑलमोस्ट 4-5 kg वी आर हैवी ऑन. सो डेफिनेटली हमने मसल मास पुट ऑन किया है एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा बॉडी फैट भी बढ़ा है. बट अभी ठीक है, अभी बॉडी फैट पर ध्यान नहीं देना है, बिकॉज हर बार ऐसा होता है जब भी मैं बल्क शुरू करता हूँ, एक तो मेरे से बल्क होता नहीं है सबसे पहली चीज़, और जब मैं शुरू करता हूँ जैसे ही मैं देखता हूँ बॉडी फैट पुट ऑन हो रहा है, आई जस्ट डिक्रीज माई कैलोरीज. सो इस टाइम आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस बल्क प्रॉपरली, मुझे मसल मास गेन करना है. कटिंग इज़ लाइक वेरी वेरी ईजी फॉर मी. एक वीक दो वीक में मैं आराम से 1-2 kg वेट लूज कर सकता हूँ. ऑलराइट, सो अभी थोड़ा सा गिटार प्ले करते हैं. टॉकिंग अबाउट दिस गिटार, आई हैड दैट गिटार फर्स्ट. ओके, लेट मी शो यू दैट वन. सो डोंट माइंड, ये बहुत ज़्यादा गंदा है, बट ये जो गिटार है, दिस वॉज द गिटार दैट आई बॉट फ्रॉम अमेजोन, और तकरीबन 2000 रुपये में मैंने वो गिटार खरीदा था. एंड काफ़ी साल मैंने उसको 2-3 साल बजाया, काफ़ी सीखा, started sounding weird, and that's when I thought that I need to get a new one. और फिर मैंने ये गिटार खरीदा. ये केडेंस का गिटार है, ये मुझे 7,000 rupees का पड़ा Amazon से. I'm gonna play अलग आसमान by Anup Jain. One of my favorite songs. Here we go. एक बार फिर तू हंस के जरा देख ले.